अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मिले सुसाइड नोट में लिखी बातों से अब पुलिस ने पर्दा उठाया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अनुसार उनका सुसाइड नोट 8 पेज का मिला है। इससे ये लगता है कि वे लंबे समय से परेशान चल रहे थे। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार उनके सुसाइड नोट को देखकर ये लगता है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या करने की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 8 पन्नों के सुसाइड नोट में पूरी जानकारी भी दी है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपने पुराने रिश्तों से परेशान हूँ। साथ ही उन्होंने लिखा है उनको मानसिक तौर से आनंद गिरी परेशान कर रहा था। साथ ही उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपने रिश्तों से परेशान हो गया हूँ। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी ज़िंदगी शान से जिया और अब शान से मरना भी चाहता हूँ। इसके साथ ही नरेंद्र गिरी ने वसीयत की तरह भी सुसाइड नोट में कुछ पन्ने लिखे हैं। उन्होंने ये बताया कि किस शिष्य को क्या मिलना चाहिए और कौन अच्छा है। इस बात की जानकारी आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की सूचना पुलिस को उनके शिष्य बबलू ने की। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। वहीं करीबियों का कहना है कि सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी की ही हैंडराइटिंग है और ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गौरतलब है कि नरेंद्र गिरी दोपहर का खाना खाने के बाद सोमवार को अपने कमरे में गए थे और उसके बाद काफ़ी देर तक जब वे बाहर नहीं निकले तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो उनका शव एक रस्सी से पंखे से लटका मिला। वहीं पुलिस के मुताबिक कमरे में किसी भी तरह की फोर्सफुल एंट्री नहीं मिली है। शिष्यों ने 1.5 से 2 घंटे तक दरवाज़ा खटखटाया, इसके बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। किसी भी तरह कोई अंदर नहीं जा सकता था, दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फॉरेंसिक टीम भी अपनी जाँच कर रही है।